गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का। दोस्तों अभी हमें फिलहाल फिरोजपुर छावनी, दोस्तों मेरे साथ है अभी हमारा दोस्त और हम दोनों निकल चुके हैं अहमदाबाद से जम्मू कश्मीर के लिए। और फिर आपको आना पड़ेगा मतलब जम्मू तवी पे, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं क्या उधमपुर से आगे आप जाओगे श्रीनगर से होके आप गुलमर्ग भी घूम सकते हो। बहुत सारी जगह जा सकते हैं, बहुत सारी जगह है। आप चेक करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मौसम कैसा है। मौसम मतलब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम ऐसे वैसे फट रही है हमारी मज़ा तो आ रहा है वैसे बहुत ज़्यादा। दोस्तों कुछ नहीं आगे कंटिन्यू रहे। अगर आप दोस्तों सोलो ट्रैवलर हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको कहाँ से जाना पड़ेगा, कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहे आप। ठीक है ठीक। रबड़ी ना नाम ऊपर हुआला एरे वाला अपना हुआला कुल्फी वाला रबड़ी ना नाम ऊपर कुल्फी वाला मारा मारा आरु ते अपना गुजरात में नहीं लेकर आला बोल मारी मेरी भूत बने का आला बोल पापा आरु कर जो यार। अरे क्या पब्लिक जबरी है भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही कम पैसों में आप कश्मीर कैसे घूम सकते हो। ये ट्रेन हमको शाम के 7 बजे हमको पहुँचाएगी, बहुत ही ज़्यादा पागल होने वाला है इस ट्रेन में। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग। अभी हम पहुंच गए दोस्तों श्रीनगर, आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है और हमने रूम भी ले लिया है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहुंचे, कहां से अभी कैसे पहुंचे। तो अभी जैसल हमारा भाई पी रहा है कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है। जम्मू तभी हम पहुँचे थे रात को, ट्रेन से उतरे थे, वहीं से व्लॉग मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही था, मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया है। अभी सुबह अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। समथिंग 7 बजे हम पहुंच गए थे जम्मू तवी के स्टेशन पे। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे सीन ऐसा था कि हमने सोचा था कि वहाँ पे स्टे लेंगे रात को, सुबह निकलेंगे। मतलब फिर लोकल वहाँ के लोग हमको बोल रहे थे कि कल का मतलब रोड बंद है कल के लिए, इसलिए गाड़ी जाएगी मतलब, इसीलिए हम मतलब रात को ही निकल गए। मैं नहा तो लिया था, अभी हम कॉफ़ी पी रहे और ये हमारा दोस्त हंस रहा है वही मज़ा तो आ रही है। क्या बोलूं, हालत हो रही है, हालत कोई भी हो नहीं फटी तो है थोड़ी क्या व्यू है भाई, मज़ा आ रहा है। ठंड तो है मतलब इस कॉफ़ी का भी कुछ अलग ही मज़ा है। दोस्तों अभी तक का सफ़र मैं शॉर्टली आपको बता दूं तो हम आए थे अहमदाबाद से, फिर हम मतलब जम्मू तवी लास्ट स्टेशन था ट्रेन का। इसके बाद दोस्तों हम शेयरिंग टैक्सी करके आ गए थे श्रीनगर। तो वो कितने में कहाँ से कैसे पड़ा, आप कोई भी स्टेट से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा जम्मू तवी स्टेशन पे। उसके बाद दोस्तों आप शेयरिंग टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो, आप 5-6 लोग हो तो आप बेस्ट रहेगा। शेयरिंग टैक्सी प्राइवेट टैक्सी बुक कर लो आप, तो आप 2-3 सोलो ट्रैवल हो तो उसके लिए भी दोस्तों बस वगैरह जाती है, ट्रेन भी जाती है। बट ट्रेन का क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा 2-4 ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, बेनियल जाना पड़ता है, इसीलिए मतलब फिर हमने क्या वो सजेस्ट किया नहीं हमने। उसके बाद हम निकल गए रात को। पर पर्सन आया था हमारा शेयरिंग टैक्सी का समथिंग 1200 रुपया। हम वहाँ से निकले थे समथिंग 11 बजे और सुबह हम श्रीनगर पहुँच गए थे समथिंग 4:30 बजे। फिर हमने होटल ले लिया था दोस्तों, होटल हमको पड़ा था दोस्तों 1000 रुपये के हिसाब से, हमको रूम मिल गया था। वैसे 2 लोग थे तो हमको अच्छा रहा मतलब। दोस्तों आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा 1-2 दिन लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मतलब रोड बंद हो सकते हैं और आप फंस सकते हो, आपकी बुकिंग वगैरह भी आप कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पे। हम तो क्या पहली बार आया था तो हमको पता नहीं था, अच्छा था कल को किस्मत अच्छा था कि रोड भले बंद था मतलब हमको आने को मिल गया था, क्योंकि हमारी गाड़ी में एक पुलिस वाला था, उसकी पहचान की वजह से हम वहाँ से निकल गए थे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक है हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक बेड हीटर शायद से क्या है शायद पता नहीं। बट रात को मतलब इसको ऑन करने के बाद क्या पूरा बेड मतलब गर्म हो गया था, मतलब अच्छा था मतलब यस। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, दोस्तों आप देख सकते हो दल लेक। हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, मज़ा आ रही है। वाह हमको मतलब नहीं जाना था इसलिए हम नहीं गए, इसके लिए यार क्या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वो जो हमारा जैसल गर्लफ्रेंड नहीं है इसीलिए साले को नहीं लेके गए हम। तो फाइनली हमारा मूड बन गया है और हम क्या बोलते हैं इसको बोटिंग करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्योंकि हम स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए कर रहे हैं, क्या पता फोटोज़ अच्छा आ जाए।
और ये भैया हमको ले जा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद भाई है। ओके भैया चलो, मेरा नंबर ये देख सकते हैं आप, नाम नंबर सब कुछ है। और भैया बताएंगे आगे की डिटेल। आ गया हम अंदर। हाँ भाई, ये चक्कर सानी कैसा लग रहा है? एक नंबर भाई, बहुत मजा आ रहा है यार। मजा आ चक्कर बहुत मजा आ रहा है। डर तो लग रहा है, तैरना तो आता नहीं हमको, डर तो लग रहा है बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सानी है। दोस्तों भैया ने हमको कहा बना के दिया है, कहा मिलता है 50 रुपए का। पानी डालते हैं हम, केसर, इलायची, इलायची, अदरक, लौंग, जिंजर, चाय पत्ती, संग्राम, आजमान, सचिस्तान, रोज लेवल। यस, इससे बढ़िया कर लियो। कावा की थी, ट्राई करते हैं दोस्तों। बता लियो क्या हुआ। हां बढ़िया है, लो भैया। नहीं ठीक ठीक है, मैं भी ना पी रहे मेरे। चेक करो क्या है, कश्मीर कावा। दोस्तों देख सकते हैं बोट हाउस है दोस्तों, काफी बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों कहावा मैंने ट्राई किया था, बट मजा तो आया नहीं मुझे यार, बेकार ऐसा लग रहा था। देख सकते दोस्तों आप ऐसे कश्मीरी वियर पहन के भी आप सूट वगैरह भी कर सकते हो। ये बोट हाउस है, आप देख सकते हो कपल के लिए बेस्ट है। इसके प्राइस दोस्तों रहते हैं समथिंग 3000 रुपीज़। अभी ऑफ सीजन है इसलिए सीजन के हिसाब से रेट ज़्यादा रहती होगी। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, क्या बोलूँ मैं। और मतलब आप पूरे के पूरे प्रॉपर गर्म कपड़े लेके आना यहाँ पे। हम तो खैर आ गए थे, थोड़ा तो थोड़ा अभी लग रहा है यहाँ से हम लेंगे। वैसे तो गर्म कपड़े हम यहाँ पे हम लेने वाले हैं। वाह यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रही है यार। डर तैरना तो आता नहीं है, डर लग रहा है अंदर से, ये ठुक बुक जाएगी यार ये। वाह ये वाला एक्सपीरियंस भी पूरा हो गया हमारा, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। अभी हम दोस्तों यहाँ से हम डल लेक से जाएंगे श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से सोपोर के लिए, और वहाँ से हम गुलमर्ग घूमेंगे। वहाँ से जितना हो सके वहाँ वहाँ पे कवर करेंगे। हाँ लोटस का है ना? अच्छा लोटस की खेती होता है तो सब देख सकते हो यहाँ पे लोटस होते हैं यहाँ पे। अभी अभी तो नहीं है दी फिलहाल। ऐसे चलाओ। और सनी यहाँ पे अभी यहाँ पे ही काम का चालू कर देगा अपना, ठीक है। तो क्या रेट क्या रहेगा सनी तुम्हारा? भाई यहाँ पे अगर सनी के साथ आपको राइडिंग करनी है, अगर आप चाहते हो कि सनी कराए तो 1000 रुपये पर पर्सन लगेगा। और भैया ये कितना गहरा है पानी? बीच में 20 फीट। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा फीट। अच्छा इससे बैट बनता है। अच्छा स्ट्री से बैट बनता है। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश चालू होगी, आप देख सकते हो ये अलग ही जगह आ गया ऐसा लग रहा है यार। तो दोस्तों अभी हमने डल लेक पे एक्सप्लोर कर लिया हमने। वैसे कमेंट में आप बताइए आपको यहाँ पे कैसे आना है, क्या है, कुछ भी पूछा हो आप तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों अभी डल लेक से सोपोर के लिए, वहाँ हम घूमेंगे आगे। तो वीडियो बने रहे आगे तक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे बड़े बड़े में, तब तक के लिए बाय बाय।